दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ कि नए स्टैंड को जो है हम फिटिंग कैसे करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको फिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें इन दोनों जो है रस्सियों को काट लेना है। उसके बाद जो है इसके एक एक पार्ट को जो है अलग अलग कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से अलग अलग रख लेना है और रखने के बाद मैं बताऊँगा आपको इसमें कैसे इसको सेट करते हैं। तो देखिए मैंने सब चीज़ इसका अलग अलग रख दिया है। और उसके बाद जो है ये कुछ रबड़ हैं जो इसके पैकेट में से निकला था, और इसके कुछ गुटके हैं, उसको कैसे लगाते हैं आइए मैं बताता हूँ। तो मैं फटाफट इसके जो है खोल लेता हूँ रबड़ को और गुटकों को। देखिए ये है रबड़ और इसे जो है हमें इस तरीके से लगाना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना, इसका हॉल जो है ये ऊपर होना चाहिए ताकि हमारा जो है ये वाला गुटका जो है आसानी से लग जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरीके से जो है आपको लगाना है। उसके बाद जो है इसको पलट लेना है और दूसरा भी रबड़ हमें इसी तरीके से लगाना है। और उसके बाद जो है फिर गुटका लगाना है। तो देखिए ये एक साइड का जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और अब मैं जो हूँ इसको रख देता हूँ और दूसरे साइड का जो है मैं ले लेता हूँ ये वाला पार्ट, और उसको भी जो है फिर मैं इस तरीके से जो है लगाता हूँ रबड़, और इसके बाद जो है मैं गुटका लगा लेता हूँ इसमें, और उसके बाद जो है फिर इसको मैं पलट लेता हूँ। और पलटने के बाद जो है इसमें फिर से रबड़ लगा के, और सेम आपको ऐसे लगाना है जैसे जो है पहले वाले में लगाया है वैसे ही दूसरे वाले में लगाना है। तो फटाफट से जो है मैं इसको भी टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो देखिए ये जो है मैंने इसको भी लगा लिया है और इसको भी जो है मैं रख देता हूँ एक साइड में, और इसका ये वाला पार्ट ले लेता हूँ जिसे जो है मैं इसमें जोड़ूँगा, कनेक्ट करूँगा। और देखिए इसमें जो है कुछ नट बोल्ट है जो इसके अंदर रखा हुआ था, तो इसको जो है मैं आइए इसमें जोड़ के दिखाता हूँ कि कैसे ये इसमें फिटिंग किया जाता है। तो देखिए ये कुछ नट बोल्ट है इसके पैकेट में, तो इसको मैं फाड़ लेता हूँ और इसमें जो है मैं लगाना सिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखिए बोर्ड है, आपको पहला बोर्ड जो है इस तरीके से इसमें लगाना है, और इसी तरीके से जो है हमें दूसरा बोर्ड भी लगाना है। तो दूसरा बोर्ड मैं फटाफट ले लेता हूँ और इसमें जो है लगा देता हूँ। और उसके बाद जो है ये पार्ट इस तरीके से हमें पकड़ के रखना है, और उसके बाद जो है हमें एक वार्सल लगा देना है, दूसरा वार्सल लगा देना है, उसके बाद जो है एक एक करके दोनों में नट लगा देना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से लगाना है, और फटाफट मैं लगा के और फिर मैं बताता हूँ आगे इसमें क्या करना है। तो देखिए एक साइड का जो है हमारा लग गया है, और दूसरे साइड को जो है मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। सेम आपको उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से आपने जो है उस साइड का लगाया है, उसी तरीके से इस साइड का भी लगाना है। देखिए मैंने ये बोर्ड ले लिया है, लगा दिया है, और दूसरा बोर्ड ले लिया है और इसको भी जो है मैंने लगा दिया है। उसके बाद जो है आपको इसको रखना है इस तरीके से, और उसके बाद वार्सल और दोनों नट जो है इसमें कस देना है फटाफट। तो देखिए दोनों में मैंने वार्सल लगा दिया, उसके बाद जो है नट इसमें कस दिया है मैंने, दूसरे वाले में भी नट कस दिया है, और फटाफट इसमें इसको टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या करना है। तो देखिए ये जो है हमारा सेट हो गया है, दोनों ही एक ही जैसा सेट हो गया है। तो आपको भी इसी तरीके से सेट करना है, और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद जो है आपको ये वाला नीचे वाला पार्ट लेना है आपको, और ये देखिए यहाँ पे जो है नट बोल्ट का सिस्टम दिया गया है और इस साइड भी दिया गया है। तो यहाँ पे भी दो दो नट बोल्ट है, और इसको मैं फटाफट लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद मैं बताता हूँ आपको इसको किस तरीके से फिट करना है। तो देखिए मैं फटाफट जो है एक लगा लिया, मैंने दूसरा भी लगा लिया फटाफट, और फिर जो है अब दूसरे साइड का जो है मुझे लगाना है। तो मैं इस साइड आ जाता हूँ और इसके बाद मैं लगा के दिखाता हूँ। तो एक एक करके देखिए मैं इस साइड भी लगा लेता हूँ फटाफट, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। तो देखिए मैंने दूसरा भी लगा लिया है इसी तरीके से, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है करना है ये कि हमें जो है एक प्लास लेना है और दूसरा लेना है 14, और ये 14 और 15 नंबर की चाबी है। तो ये 14 15 नंबर की चाबी लेना है, प्लास से पकड़ के चाबी से इस तरीके से कसना है। तो ये देखिए मैंने दोनों टाइट कर दी हैं, अब दूसरे साइड का मैं टाइट कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से टाइट कर लेना है। तो फटाफट आइए मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं इसमें क्या करते हैं। तो देखिए हमारा स्टैंड जो है फिट हो गया है, और अब मैं इसका जो है पैर वाला पार्ट इसको फिट करके दिखाऊँगा। तो ये मैंने पैर वाला पार्ट ले लिया है और इसको जो है मैं इसमें फ़िट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसको जो है मैं खोल लेता हूँ, एक साइड का जो है ऑलरेडी पहले से ही खुला हुआ है, दूसरे साइड का टाइट है। तो मैं इसको जो है खोल लेता हूँ और खोल के फिर मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसको जो है इसमें लगा दिया है, उसके बाद दूसरे साइड से भी जो है मैं इसको इसमें लगा देता हूँ।
आपको भी इसी तरीके से लगाना है। और इसमें जो है एक बात का खास ख्याल रखना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ज़रा मैं सेंटर में ले आऊँ इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए इसमें जो है ख़ास ख्याल रखना है इस बात का, जितना गैप इधर हो उतना ही गैप जो है आपको इधर भी रखना है। तो इस बात का जो है आपको ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद जो है, अगर जब आपका ये लगे सेट हो गया है, तो इसको जो है नट को आप टाइट करना है, बोर्ड को नहीं टाइट करना है आपको। जैसे कि ये वाला नट है, इसको हमें टाइट करना है। तो फटाफट मैंने इसको टाइट कर लिया, देखिए ये बराबर काम भी कर रहा है और इसमें गैप भी बराबर है। अब मैं इसको व्हील लगाऊंगा, तो व्हील लगाने के लिए देखिए ये हमारा जो है पहले से ही सेट है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और इस वाले नट को जो है हमें खोलना है। मैं फटाफट से इसके नट को खोल लेता हूँ, और नट को खोलने के बाद जो है मैं इसमें व्हील लगाता हूँ, और व्हील लगाने के बाद जो है इसमें नट टाइट कर देता हूँ। और नट टाइट करने के बाद जो है इसको मुझे चाबी से टाइट करना पड़ेगा, तो मैं चाबी ले लिया मैंने और चाबी से टाइट कर दिया। अभी अच्छी तरीके से टाइट हो गया, मैं इसको चला के दिखाऊँ। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया और आसानी से ये चल रहा है, बैरिंग वाला है। अब इसका कनेक्टिंग रॉड जो है मैं दूसरे साइड से इसको सेट करके दिखाऊँगा। तो देखिए इसमें जो है ये बोर्ड है, इसको बोर्ड को खोल लेता हूँ मैं। इसमें वार्सल भी है, देखिए ये वार्सल का जो है बहुत काम का है वार्सल। इसको मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें कैसे फिट करते। तो बैरिंग के जो है उस साइड नहीं लगाना है आपको वार्सल, इस साइड लगाना है, ताकि इसकी लाइफ जो है और भी बेहतर रहे। और उसके बाद जो है मैं फटाफट से इसको टाइट कर लेता हूँ, और टाइट करने के बाद मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से आखिर काम कर रहा है। तो देखिए मैंने ये फटाफट टाइट कर लिया है, उसके बाद जो है मैं इसको चला के दिखाता हूँ इस साइड से आके। तो देखिए मैं इसको चला रहा हूँ, ये बराबर काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसको जो है मैं अभी तो फ़िलहाल रोक देता हूँ, और रोकने के बाद जो है फिर मैं इसको इसमें रख देता हूँ इस तरीके से, और इसमें लगाऊंगा मैं पटला। तो पटला जो है मैंने ले लिया है, और पटला जो कुछ लोग पटला कहते हैं, कुछ लोग इसको फट्टा कहते हैं, कुछ लोग टेबल कहते हैं। तो ये टेबल फट्टा जो भी है इसको मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा। तो हमें इस तरीके से रख देना है। उसके बाद जो है ये मुझे ले लेना है आधे इंच का जो है चार लकड़ी के पेंच ले लेना है। आप भी इस तरीके के पेंच ले लें, और एक दो और ये तीन और ये चार, ये नीचे के साइड से जो है हमें ये वाले पेंच लगाने हैं। और मैं ले लेता हूँ एक माल। तो पहले जो है हमें पटले कसने के से पहले जो है हमें माल लगाना होगा इसमें, और मशीन को रख के और चला के देखना होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए माल जो है आप इस तरीके से लें अंदर से, और एक सिरा इस साइड से निकालें, और दूसरा सिरा जो है इस साइड से निकालें। उसके बाद जो है आप इसके कुंडे को जो है मिलाकर इसमें जो है प्लास से आप मोड़ सकते हैं। फटाफट इसको मैं मोड़ लेता हूँ, और मोड़ने के बाद जो है देखिए इस तरीके से जो है ये मुड़ गया है। उसके बाद जो है मैं इसको नीचे की साइड को कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर मशीन रख के और इसको चला के देखूँगा। तो आइए मैं फटाफट में मशीन लगा लेता हूँ इसमें। आपको भी इसी तरीके से मशीन लगाना है। मैंने इसमें मशीन लगा लिया है, और इस पर जो है मैं माल चढ़ा देता हूँ। माल चढ़ा के देखूँगा कि मेरा माल उतरता है या नहीं उतरता है। तो सबसे अहम बात इसमें यही होती है कि मैंने माल चढ़ा दिया है, और इसको मैं चला के देखूँगा। देखिए थोड़ा सा अभी जो है आउटसाइड है, इसके हॉल देखिए बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये पटला जो है थोड़ा आउटसाइड है, मैंने इसको जो है उस साइड को जो है कर दिया है, ये बराबर सेट हो गया। मैं एक बार चला के देख लूँ कि इसका माल तो नहीं उतर रहा है। तो देखिए ये बराबर जो है चल रहा है, माल नहीं उतर रहा है। जब माल नहीं उतरे तभी आपको जो है सेट करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और ये हॉल जो है मैं यहाँ से दिखा दूँ कि देखिए ये हॉल को भी मैंने सेट कर दिया है एकदम बीचम बीच में, आपको भी बीच में ही सेट करना है। तो देखिए ये जो है मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ एक पेचकस, और जैसा कि मैंने आपको बताया था लकड़ी के आधे इंच के पेंच ले लेना है हमें। और उसके बाद जो है मैं फटाफट से इसको जो है टाइट कर लेता हूँ। आपको भी इसी तरीके से जो है चारों पेंच को जो है टाइट कर लेना है। मैं आपको टाइट करते हुए दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक मैंने टाइट कर लिया है, और दूसरा जो है इस साइड है, मैं इस साइड भी टाइट कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो है आपको चारों पेंच टाइट कर लेना है, फटाफट से आपको टाइट कर लेना है। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं और चला के दिखाऊँगा आपको। देखिए ये देखिए किस तरीके से ये बराबर काम कर रहा है, और आपको भी इसी तरीके से जो है सेट करना है एकदम बराबर। ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप भी नया इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखें। और देखिए ये पूरी तरीके से जो है फिटिंग करने का जो है सही और आसान तरीका यही है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है।